हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन सूर्य करती हूँ। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत। आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मौसम है ठंडी का, तो ठंडी में हम लोग का फेस्टिवल आता है पौष पार्वण। पौष पार्वण मतलब पौष महीने का जो संक्रांत आता है उसमें हम लोगों के घर में बनता है तरह तरह के स्वीट पकवान, जिसको हम पीठा बोलते हैं। मुझे ज़्यादा पीठा बनाना नहीं आता है, इसके लिए मैं आज फर्स्ट टाइम पीठा बनाई। और डेट ये शायद आप लोगों के पास 20 जनवरी को आएगा, लेकिन ये बनाई मैंने 19 जन को। तो देखिए, मैंने इस साल फर्स्ट जो पीठा बनाई उसका नाम क्या है। और शुरुआत में ही लग रहा है ना, ये बहुत स्वादिष्ट है। अंत तक बने रहिए तो इसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ये कितना स्वादिष्ट है और मैंने कैसे बनाई। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, स्किप भी मत करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा पीसफुली पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। थैंक यू। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फुल क्रीम 1 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क को मैं पहले गर्म होने के लिए ऐसा इसमें छोड़ दिया। और ये देखिए, 2 नारियल लिया, मीडियम साइज़ का 2 नारियल। और ये है गुड़, नई गुड़ का कहानी तो पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, आप लोग देख लिए हो। और साइड में देखिए मावा है, थोड़ा सा मावा। तो और ये है राइस आटा, इससे मैं बनाऊँगी पीठा। देखिए, नारियल को मैंने ऐसे फूड प्रोसेसर में दे के इसको ऐसे ग्रेट कर लिया। और जो मतलब हम लोग नारियल कुरानी बोलते हैं, नारियल कुरानी, उससे मैं नहीं किया। तो ये थोड़ा लंबा लंबा स्लाइस स्लाइस नारियल का वो आया। तो देखिए क्या करती हूँ इसके आगे। और इसको तो पूरा गैस में मैंने डाल दिया। अभी ना मैं इसमें डालूँगी जो मावा दिखाई थी, वो मावा ऐड कर दूंगी इसके अंदर। मुझे मावा डाल के बनाना स्टफिंग बहुत अच्छा लगता है। तो मावा फ्रीज में था, तो ये बहुत देखिए कैसे टाइट है। मावा डालने के बाद ये लमसम 100-150 ग्राम्स मावा इधर है। और मैं इसको अच्छे से नारियल के साथ मिला लूँगी। थोड़ा ये मेल्ट होने लगेगी तो इसके अंदर मैं डालूँगी लिक्विड वाली जो गुड़ लाई थी, वो लिक्विड गुड़ भी थोड़ी डालूँगी। अगर मीठा में कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं इसमें शुगर भी डालूँगी। तो देखिए ऐसे मैं करछी से इसको तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये फ्रीज में था तो बहुत हार्ड हो गया था, तो मैंने इसको ऐसे करके मिला लिया। अभी गुड़ डाल के इसको अच्छे से एक स्टफिंग बनाएंगे। और जो स्टफिंग हम यूज़ करेंगे पीठे के, स्टफिंग तो अंदर ही डाला जाता है, हाँ, तो अंदर में डालने वाला पीठा जो बनाएंगे उसके अंदर में डालने का ये स्टफिंग है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या करती हूँ। देखिए, चलो चलो, देखो देखो, गुड़ पतला, इसको नॉलेन गुड़ बोलते हैं। ये गुड़ मैंने, ये डेट जगरी होती है खजूर का गुड़, तो इससे हम लोग ये बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसको अच्छे से कुक होने तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं जलाना है, थोड़ा ही, मतलब ये सारे चीज़ मेल्ट हो जाए, स्मेल आने लगी भीनी भीनी, तो इसको हम बंद कर देंगे। राइस आटा को गूंथने के लिए गर्म पानी नमक के साथ मैंने बॉईल कर लिया। और ये यहाँ पे है 250 ग्राम्स तक राइस आटा, जिसमें मैं देखिए थोड़ी थोड़ी करके गर्म पानी डाल रही हूँ और चम्मच से इसको हिलाते जा रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत गर्म है। डायरेक्ट हाथ से मत करिए, चम्मच के सहारे इसको गूंथिए। गूंथने के बाद जब थोड़ा टच करने लायक हो जाए तो इसको हम अच्छे से हाथ से गूंथ लेंगे। तो देखिए, ये कंटेनर मतलब जिस डब्बे में हम बनाते हैं उसमें ना चिकट चिकट सा होता है तो चिपक जाता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सूखी आटा लेंगे, राइस आटा, और फिर उसको ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से सब निकाल लेंगे और इसका
अच्छे से एक डो बना लेंगे। तो देखिए डो हमारा बनके रेडी हो गया। अभी ये डो को हम छोटा छोटा पेड़ा काटेंगे और पेड़ा काट के उसके अंदर स्टफिंग डाल के उसको ऐसे सील कर देंगे। बहुत किसी को ये बनाना आता है, ये यूट्यूब में पहला वीडियो नहीं है मेरा, तो इसके लिए मैं उतना डिटेलिंग के साथ नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैं और मम्मी ने ऐसे बहुत सारे बना चुके हैं ऑलरेडी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम लोगों को ये बनाने के लिए। तो देखिए दूध भी मेरा खौल रहा है, अभी खौलता हुआ दूध के अंदर हम ये डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम 2 मिनट इसको अच्छे से ध्यान से इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे, हिलाते रहना, अगर खोल के ऊपर आ जाए तो इसको डाउन कर देने का है। और इसको दूध के अंदर में मैंने थोड़ी सी चुटकी भर सॉल्ट भी ऐड किया था, इसमें जो मीठा है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए 2 मिनट अच्छे से खोल गया, 2-3 मिनट, और मैं अभी ये तोड़ के रखी हूँ गुड़। ये गुड़ खजूर का होता है, डेट जेगरी, तो इसको तोड़ के नरम ही होता है, थोड़ा टाइम बॉयल होगा तो पिघल जाएगा और इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो देखते रहिए इसका कलर कैसे होता है। देखिए ये ऐसा बॉयल आ रहा है और इसका पूरा गुड़ जो डाली थी पूरा मेल्ट हो चुका है। और देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, और हल्के हाथ से इसको चलाना है, चलाइएगा लेकिन ध्यान से टूटे ना। इतना टाइम तो पीठा हमने आपको बनाना दिखाया लेकिन इसके जो नाम है वो नहीं शेयर किया। इसको हम बोलते हैं पुली पीठे। तो संक्रांत के टाइम जो बनता है पीठे वो चलो आज मेरे घर में भी बन गए। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। हाउ इट इज फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक देना प्लीज प्लीज प्लीज। सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। मीठापन कितना हुआ? ये एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत गर्म है, जस्ट मैंने ऑफ किया गैस। और आज मंगलवार है, जॉयदीप फास्टिंग में रहता है, तो कोशिश करती हूँ कुछ मीठा बना ले के लिए गुरुदेव का, जो गुरुदेव का जो पिताजी है उनके लिए। ऐसा नहीं मैं वो खा रहा है वो नहीं दिखाना है। प्लीज बाय और टेक केयर, गुड नाइट तो बोल के जाओ। थैंक यू इतना टाइम तक मेरे साथ आप लोग जो बने रहे इसके लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू। चलिए आज मैंने सोची नहीं थी कोई ब्लॉग करूंगी करके सडनली दिमाग में आया कि कुछ करूं, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं देती हूँ। तो कुछ आंटी शिप्रा आंटी मुझे मैसेज करती है, मेरी ननंद है मुझे मैसेज करती है कि तेरे ब्लॉग क्यों नहीं आया, तू ठीक है? तो ये मेरे सब्सक्राइबर भी है लेकिन कोई ब्लॉगर नहीं है, नॉर्मल पीपल है ये लोग। तो उन लोगों के लिए मैं अभी कोशिश करूंगी हर दिन कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोगों के लिए, इंडिया में जो रहते हो उनके लिए भी और जो इंडिया के बाहर से बिलोंग करते हो उनके लिए भी। आज के लिए था इतना ही, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट देते जाइए। लव यू, गुड नाइट, थैंक यू।